कि भगवान अपनी शक्तियों से भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक बदल सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक में बदल सकते हैं, जड़ शक्ति को चित में बदल सकते हैं, चित शक्ति को जड़ में बदल सकते हैं, जड़ शक्ति के द्वारा चित शक्ति का कार्य करा सकते हैं, चित शक्ति के द्वारा जड़ शक्ति का कार्य करा सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात यदि समझ में आ जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो भगवान के प्रति हैं। तो शक्तियां जो हैं वो भगवान की हैं, तो जिसकी हैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। भगवान यदि चाहते हैं कि अभी इस समय ये जड़ शक्ति चेतन शक्ति का कार्य करे, तो उसको शक्ति को तो उसकी शक्तिमान की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि अगर देखा जाए तो अर्चा विग्रह जो भगवान की है वो किससे बनी है, वो मट्टी से बनी है, लकड़ी से बनी है, या पत्थर से बनी है, लोहे की बनी हुई, अष्टधातु से बनी हुई है, वो बनी हुई है, लेकिन वो भौतिक होते हुए, भौतिक तत्वों से बनी हुई होते हुए भी उसमें जब भक्त जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसका जब भगवान को विराजमान करते हैं, तो भगवान जो है उसमें आकर हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं।